ओके सो लास्ट क्लास जैसे मैंने डिस्कस किया था आपका कम्युनिकेशन जो होता है उसमें ऑडियंस एनालिसिस मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था ब्रीफली दैट इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन योर लाइफ। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन जो रहता है उसमें ऑडियंस एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो आप बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ इम्पोर्टेंट और व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू नो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या ऑडियंस एनालिसिस जो रहता है उसमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है वो जरा हम देख लेते हैं। ऑडियंस एनालिसिस में आपको यहाँ पर जो है कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो अबाउट योर ऑडियंस। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है हमारा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑडियंस को जानना होगा कि आपकी ऑडियंस है क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर ऑडियंस इज द इंटरव्यूअर हु इज इंटरव्यूइंग, ठीक है, जिसके सामने बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपका ऑडियंस हो सकता है। तो ऑडियंस हो सकता है कि आप हो सकता है पूरे क्लास के सामने या पूरे कॉलेज के सामने आप एक स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपके सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, डायरेक्टर सर होंगे, मैम होंगी, वो सारी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू गो एट इफ यू नो अबाउट देम, इतना आपको पता है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉलेज, ठीक है, आपका और आपकी ऑडियंस का नॉलेज इस टॉपिक के ऊपर क्या है, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नॉलेज है आपको इस चीज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टॉपिक दे दिया गया कि आपको COVID-19 का इफेक्ट बताना है इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर, या फिर आपको रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उस वॉर में इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बताना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में या फिर कोविड के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे या अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अभी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके, आपको वहां पर आपको यहाँ पर क्या जानना होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन जाननी होती है। पहली बात तो आपके ऑडियंस के बारे में आपको कितना पता है कि आपकी ऑडियंस है कौन। ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग कि ऑडियंस एनालिसिस में आपको ये जानना है कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें बेसिक नॉलेज मिल सकता है आपके ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, तो अगर मेरा मान लीजिए टॉपिक ये है, ठीक है, इफ योर टॉपिक इज रिलेटेड टू COVID-19, रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन वॉर, तो आपको अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू इसका बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, या फिर आप न्यूज चैनल के थ्रू, अगर आपको सुनने की आदत है न्यूज चैनल, तो आपको वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर इफ यू आर इंक्लूडेड इन डिबेट्स, लेट्स से आपके और आपको और आपके फ्रेंड को पॉलिटिक्स के बारे में या इस तरह के जो वॉर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको बात करने में इंटरेस्ट है, तो आपका जो डिस्कशन होगा उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने फ्रेंड को बताएंगे, आपके फ्रेंड के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएगा। अगर आप दोनों को लग रहा है डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात को लेकर, आपके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो आप सर्च करेंगे उस चीज को लेकर, एनी हाउ यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज। Now, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये सोचेंगे, मान लीजिए कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया की वजह से है, या फिर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपका न्यूज चैनल की वजह से है, तो अगर आपको लगता है कि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन द स्कूल या कॉलेज, अगर आप कॉलेज के सामने इस टॉपिक पे स्पीच दे रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो सभी को सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा ही रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, या फिर न्यूज के थ्रू उनके पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा रशिया यूक्रेन के बारे में। तो ऑल दोस थिंग्स, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि आपके पास और आपकी ऑडियंस के पास कितना नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि आपको कंटेंट किन किन चीजों के हिसाब बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हो गया आपकी ऑडियंस का एज, ठीक है, आपकी ऑडियंस का जेंडर, आपकी ऑडियंस का एजुकेशन लेवल, आपकी ऑडियंस का पोजीशन, पोजीशन इन द सेंस देयर करियर पोजीशन। ठीक है, वो स्टूडेंट है, टीचर है, या किसी और प्रोफेशन में किस पोजीशन पे है, वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एस्पेक्ट लेते हैं एज का। ठीक है, आपकी जो एज है, आपके साथ जितने भी सीनियर ईयर स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट है, या सिक्स सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक ही, आप लोगों की एज ऑलमोस्ट सिमिलर है, या आपसे भी जो जूनियर है वो बहुत ज्यादा आपसे एज से डिफरेंस नहीं क्रिएट है उनका। ठीक है, तो इफ वी गो थ्रू एन एज ग्रुप, अगर हम एक एज ग्रुप लेते हैं कि 18 साल से 25 इयर्स तक के लोग आपके ऑडियंस में हैं, ठीक है, तो आपका ओपिनियन एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उन लोगों का क्या होगा, ये जानना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका बेसिक ओपिनियन जो रहता है वो एक ग्रुप में मेजोरिटी ऑफ द पीपल का सेम ओपिनियन रहता है। अगर आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बिना झिझके ये भी समझ लीजिए कि वट एवर योर इन्फॉर्मेशन इज, यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, द सेम इन्फॉर्मेशन इज योर ऑडियंस इज हैविंग। सो सेम वे ऑडियंस का भी यही थिंकिंग होगा कि रशिया इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, अगर आपको लगता है यूक्रेन रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर के पीछे, या कोई थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो जिस तरह का आपका थिंकिंग है उसी तरह का आपके ऑडियंस का भी थिंकिंग रहेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इजियर एग्जाम्पल, जो आपको एज ग्रुप के हिसाब से पता चल जाएगा कि कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर मैं किसी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछती हूँ कि ऑनलाइन वीडियो गेम्स जो होते हैं वो कितना इफेक्टिव होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में, कुछ नहीं तो कम से कम वो आपको एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पास कहने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं, लेकिन वही अगर हम एज ग्रुप आगे बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम 40 to 60 का एज ग्रुप रखते हैं, तो 40 to 60 की एज ग्रुप में आपके पेरेंट्स भी आते हैं। अगर आपके पेरेंट्स से पूछा जाए कि वीडियो गेम का कोई बेनिफिट बताइए, तो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बेनिफिट बता पाएंगे। तो सेम वे आपका एज ग्रुप बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो एज के हिसाब से अपना अपना एक ओपिनियन रहता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, या जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों का, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एज के हिसाब से आपका एक पर्टिकुलर चीज को रिलेटेड आपका एक थिंकिंग रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेंडर। अब जेंडर वाइज अगर मुझे एग्जांपल देना है, ऐसे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ही लड़की है, प्रिया ही मुझे दिख रही है, ज्योति भी है, चलो ज्योति है और प्रिया है एंड बाकी सब लड़के। तो अगर मैं ये एक जेंडर वाइज एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ ये समझने के लिए कि जेंडर का क्या इनइक्वालिटी इन थिंकिंग, नॉट इन अदर वाइज डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं, लेकिन एक थिंकिंग प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके का रहता है। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसीजर क्या होता है कि अगर एक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बहुत सारे लड़कों का, मैं ये किसी को इंडिविजुअलिटी में नहीं बोल रही हूँ, मैं एक ग्रुप में बोल रही हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप में बोल रही हूँ, तो बहुत सारे जो लड़के होते हैं अगर उनको एक टी शर्ट लेना है, उनको मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे, या उससे भी हो सकता है कम लगे अगर उनको कुछ पसंद आ जाए एक ही दुकान में जाकर। लेकिन जो एक लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, अगर उनको एक ड्रेस लेना है, एक टॉप खरीदना है बर्थडे के लिए, या अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए एक टॉप खरीदना है, उसको गिफ्ट करना है, उनको 2 दिन भी हो सकता है कि कम पड़ जाए, वो 2-3 बार मार्केट जाएंगी, अपना पूरा ऑप्शन देखेंगी, सारे शॉप्स में जाके घूमेंगी कि कहाँ पर उनको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ पर उनको अफोर्डेबल ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ पर उनको ऐसा कुछ मिल रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कहाँ अच्छा मिल रहा है। सो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स थिंक अबाउट दैट। मैं ऐसा नहीं कह रही हर लड़की वैसा करती है, या फिर हर लड़के को टाइम नहीं लगता है अपना ड्रेसिंग वार्डरोब खरीदने के लिए, लेकिन
उनका एक स्पेसिफिक मेजोरिटी ऑफ द पीपल का इस तरीके का थिंकिंग रहता है कि लड़कियों को शॉपिंग के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है और लड़कों को उतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है. इफ दे फाइंड समथिंग, इफ दे सी समथिंग दैट दे वांट टू बाय, दे विल बाय दैट. ठीक है, और या फिर उनके पास एक स्पेसिफिक माइंड में उनका एक लिस्ट रहता है कि हमें इसी लिस्ट के हिसाब से लेना है सामान, उतना बोलेंगे और घर आ जाएंगे. बट स्पेसिफिकली इफ वी गो टू द गर्ल्स साइड, दे विल नो ऑल द नेसेसिटी. घर की ग्रोसरी शॉपिंग्स में अगर आप एग्जांपल देखें, पापा को जितना बोला जाता है घर में ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, उतना ही सामान वो लेके आते हैं. लेकिन मम्मी अगर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती है, उनको पता है कि क्या चीज जरूरत है, तो अगर वो लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं भी है तो वो सामान आ जाएगा घर में, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सामान की जरूरत है घर में. सो ऑल दोस थिंग्स, वो जेंडर वाइज इक्वालिटी जो होती है, एक अपना जो माइंड सेट होता है हमारा, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपकी ऑडियंस के थिंकिंग पर. अब आप अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपने कुछ ऐसा कह दिया विच द गर्ल्स आर नॉट अग्रीबल विद, ठीक है, आप कॉलेज के सामने जब स्पीच दे रहे हैं आपने कुछ ऐसा कर दिया जो लड़कियों के लिए वैलिड नहीं, तो उनको एक्सक्लूडेड लगेगा. उन्हें लगेगा कि आप या तो उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या फिर आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. या फिर मान लीजिए कि कोई आपने लड़कियों के लिए बोल दिया या लड़कों के लिए नहीं बोला. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. तो जब भी आप एज ग्रुप के हिसाब से भी, यही चीज है कि अगर आपने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जो आपके एज ग्रुप के हिसाब से वैलिड है, अच्छा है, लेकिन सीनियर एज ग्रुप में वो चीज वैलिड नहीं होती है. सो ऑल दोस थिंग्स जब आपका मिक्सचर रहता है, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हमेशा हर जगह ऑडियंस में रहेंगे, तो उस तरीके का एग्जाम्पल आपको इंक्लूड करना होगा दोनों तरफ से, मेन के लिए भी वुमेन के लिए. ठीक है ना, एजुकेशन लेवल आपको पता है कि एजुकेशन लेवल बहुत मैटर करता है मटेरियल के लिए. आपका कंटेंट कितना अच्छा है ये जज करने का काम वही पर्सन कर सकता है जिसके पास नॉलेज है उस कंटेंट से रिलेटेड. अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं विच इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक, मान लीजिए आप एक मैनेजमेंट थ्योरी के बेसिस थ्योरी के रिलेटेड आप एक स्पीच दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड, तो आपको जज करने के लिए वही पर्सन रहेगा जिसके पास वो नॉलेज है. अगर मान लीजिए कोई BSc IT का स्टूडेंट है, वो आपके ऑडियंस में बैठा है, तो उसका एजुकेशन लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड उतना है ही नहीं, तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं. तो उस स्टूडेंट के लिए, या मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, BSc IT स्टूडेंट भी बैठे हैं, BCom स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, BBM के भी स्टूडेंट बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको उनके एजुकेशन लेवल के बेसिस पर आसान भाषा में समझाना होगा जो एक नॉर्मल हर कोई बच्चा समझ पाए. ठीक है, आप अगर मैनेजमेंट के टर्म्स बोलेंगे तो BCom स्टूडेंट समझ जाएंगे, BBM स्टूडेंट समझ जाएंगे, लेकिन BSc IT स्टूडेंट नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी टर्मोलॉजी IT से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है. तो एजुकेशन लेवल मैटर करता है जब आप कंटेंट तैयार करते हैं जिस हिसाब से आपकी ऑडियंस है. एक बार आपको पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, तो उस हिसाब से आपको पता रहना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का जो है एजुकेशन लेवल अगर कितना है पता चल जाए, तो आप उसको हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो कि आप कितना सिंपल रखेंगे अपनी ऑडियंस अपना स्पीच को, ताकि किसी भी तरह की ऑडियंस को समझ में आ जाए. या अगर मान लीजिए सिर्फ BBM है, BBA स्टूडेंट्स है एंड BCom स्टूडेंट्स है, इन्हीं तीनों बैचेस के साथ आपको सामने आपको स्पीच देना है, तो उन लोगों को मैनेजमेंट की कुछ टर्मोलॉजी ऑलरेडी पता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के ही क्यों ना हो, उनको बेसिक तो पता चल ही जाता है टिल नाउ, इतना दिन से जो वो पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्स 6 months 7 months से वो पढ़ रहे हैं, तो उनको बेसिक टर्मोलॉजी का नॉलेज हो गया है. तो उनके सामने अगर कुछ बेसिक टर्मोलॉजी आप यूज करती हैं तो उनको समझ में आ जाएगा. यू नीड नॉट सिंप्लीफाई योर स्पीच इफ यू हैव द ऑडियंस विद सेम लेवल ऑफ नॉलेज एज योरसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजिशन. पोजिशन का मतलब है यहाँ पर जो आपका प्रोफेशनल पोजिशन होता है, जैसे एज अ स्टूडेंट आपका क्या पर्टिकुलर थिंकिंग है, आपका क्या पर्टिकुलर नॉलेज है. जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है कि कॉलेज में या स्कूल में ब्रेक आवर्स को बढ़ा देना चाहिए या यूनिफॉर्म हटा देना चाहिए या होमवर्क हटा देना चाहिए, इस तरह का जो टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर. लेकिन आपकी पोजिशन एज अ स्टूडेंट है, तो आपका माइंडसेट अभी एज अ स्टूडेंट चल रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ाया जा रहा है,
तो कम से कम 1 घंटे का हमें ब्रेक चाहिए। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म जो है, बहुत सारे लोगों को यूनिफॉर्म अच्छा नहीं लगता है तो वो कहेंगे कि नहीं हमें यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वैसे तो, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम यूनिफॉर्म अच्छा है, इस तरह का यूनिफॉर्मिटी रहती है हमारे एजुकेशन सेक्टर में तो अच्छा लगता है। या फिर अगर होमवर्क की बात आए तो होमवर्क की बात है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट अग्री करेंगे तो होमवर्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी पढ़ना होता है अलग अलग रीजन के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन जाना होता है, कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपना एक्स्ट्रा कुछ कोर्स कर रहे होते हैं, एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे होते हैं, तो अलग अलग रीजन के लिए उनको एज अ स्टूडेंट माइंड आपको लगता है कि होमवर्क नहीं देना चाहिए या देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ रहेगा पढ़ने के लिए, अगर कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम होमवर्क कर लेते हैं। That means all the things that you will be thinking about, वो सारे as a student level ही होंगे। यही अगर आप as a teacher सोचे, आपका एक position अगर change कर दिया जाए, you become a teacher suddenly, तो आपका जो mindset होगा कि अगर हम uniform हटा देंगे तो बहुत problems आएगी, क्योंकि आपको restriction तो लगाना है, ये education system है, education sector है, तो आप हर तरह के dress code को allow नहीं कर सकते हैं। Now if we are not going to allow a specific dress code, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं पहन के आ सकते, हम वो नहीं पहन के आ सकते, हम कंफर्टेबल नहीं है उस तरह के ड्रेस में। तो ये सारी चीजें ड्रेस कोड में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज अ टीचर या एज अ मैनेजमेंट ऑफ अ कॉलेज, वी थिंक अबाउट यूनिफॉर्मिटी, कि आपको अगर यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दी जाएगी तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपको देख कर ही लोग पहचान जाएंगे कि आप सीमेज के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ऑफ ऑल ये भी चीज होगी, इंक्लूड होगी कि हर एक स्टूडेंट एक जैसा रहेगा, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये मेंटालिटी जो होती है ये पोजिशन वाइज आपकी चेंज होती जाती है। अब होमवर्क को अगर हम लेके देखें तो टीचर अगर होमवर्क देता है, दैट इज इफ यू थिंक अबाउट एज अ पोजिशन ऑफ अ टीचर, एज अ पोजिशन ऑफ अ लेक्चरर, तो उनका जो होमवर्क रहता है, उनका होमवर्क इसीलिए रहता है ताकि आप घर जाके रिवाइज करें जो चीजें हमने पढ़ाई हैं, ताकि आप भूले ना वो सारी चीजें, ठीक है। तो इफ वी कंटिन्यू विद दिस सेशन, इफ वी कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, नेक्स्ट डे आप वो कॉन्सेप्ट को भूल ना जाए और हमें दोबारा रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हम होमवर्क देते हैं। तो पोजिशन आपका जो भी रहता है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह की थिंकिंग रखेंगे और किस तरह का मटीरियल आप अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका जो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशनल लेवल एंड पोजिशन, तो ये आपका बेसिक डेमोग्राफी होता है जो आपको पता होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उनके सामने आप जिस तरह का एग्जाम्पल देते हैं तो समझाते टाइम हो सकता है कि वो एग्जाम्पल थोड़ा वल्गर हो, क्योंकि फ्रेंड्स हैं तो उनमें आपस में इस तरह का बात चलता है। हो सकता है कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, बट आपके फ्रेंड्स के बीच में है तो किसी को पता नहीं चलेगा। सो यू आर सेफ देयर एंड यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, स्पेशली गिव अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल विच अदर्स कैन नॉट टेक इट सीरियसली, जो बाकी लोग सीरियसली नहीं लेते या ऑफेंड हो सकते हैं उस चीज से रिलेटेड। लेकिन वही चीज अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोई इंप्रेस नहीं होगा। तो इसीलिए आपका पोजिशन क्या है, एक पर्टिकुलर पोजिशन क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से अपना बात उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इज व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट टू योर मैसेज। मतलब जो टॉपिक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जो टॉपिक आप जिसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, तो उसका क्या इंटरेस्ट है, ऑडियंस का उस पर्टिकुलर चीज में क्या इंटरेस्ट है। जैसे अगर अभी आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप हुआ था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन बीसीए बीएससीआईटी स्टूडेंट्स को भी उस चीज में इंटरेस्ट था, बिकॉज दे थॉट समथिंग दैट इज
लाइक दे कैन डू समथिंग जो उनका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, या उनको लगा कि हमें ये चीज अगर हम अपने फील्ड से स्विच करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके लिए, एक सेकेंड ऑप्शन प्लान बी हो सकता है उनके लिए. सो दे वर इंटरेस्टेड इन दैट फॉर दैट. ठीक है, उनका ये रीजन था इंटरेस्टेड होने का डिजिटल मार्केटिंग में, ये रीजन था उनका कि हमें एक प्लान बी मिल जाएगा, ये या एक एक्स्ट्रा एबिलिटी हमारे पास रहेगी टू यूटिलाइज फर्दर इन फ्यूचर. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना है ये पता करने के लिए आपको उस लेवल पे सोचना होगा जिस लेवल पे आपकी ऑडियंस है. ठीक है, इसके लिए आपको एजुकेशन लेवल या पोजिशन अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए. अगर आपको पता है कि स्टूडेंट्स हैं आपके ऑडियंस में, तो वो किस बैच के स्टूडेंट्स हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, क्या उनका एवरेज स्कोरिंग है, ये सारा चीज अगर आपको पता है. जैसे टीचर भी अगर आपके क्लास में आता है प्रेजेंटेशन देने के लिए या पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले वो ये जज करता है कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, यानी कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है. हम पहली बार कुछ बताते हैं तो हम आपका बॉडी लैंग्वेज जज करते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जज करते हैं, वो सारी चीजें जज करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को यहाँ पर जो मैं बताती हूँ वो कितना समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल हाउ सीरियस दे आर अबाउट द स्टडीज दैट वी आर डूइंग. ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड उनको कितना सीरियसली वो ले रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को. थर्ड ऑफ ऑल वेदर दे आर स्टडिंग बाय फोर्स और बाय इंटरेस्ट, क्या वो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास लगा दी गई है कॉलेज की तरफ से, या उनको एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट है ये सारी चीजें सीखने का. एंड ये सारा इंफॉर्मेशन जब हम गैदर कर लेते हैं उसके बाद हमारा एक माइंडसेट होता है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरी ऑडियंस इंटरेस्टेड है तो मैं उनको कॉन्सेप्ट समझाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं उनको कॉन्सेप्ट बस बता दूंगी और समझाने के लिए हम एक्टिविटी करवाएंगे क्योंकि उनको इंटरेस्टेड है. जैसे मेरा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको इंटरेक्शन करना जरूरी होता है. ठीक है, अगर मेरी ऑडियंस इंटरेक्टिव Yes, sorry about that. वो इंटरनेट इश्यू हो गया था इस वजह से वो बंद हो गया. Yes, so as I was telling कि आपको अगर पता है, मेरे पास अगर ये इंफॉर्मेशन गैदर हो गया है कि किस तरह की मेरी ऑडियंस है, क्या क्या उनका थिंकिंग है, कितना वो सीरियसली ले रहे हैं इस टॉपिक को, कितना वो इस सब्जेक्ट को सीरियसली ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा एक माइंड सेट बन जाएगा कि मुझे आगे की क्लासेस किस तरह से रिएक्ट करवाना है, क्या क्या चीजें एक्टिविटी करवानी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाना है, ये सारी चीजें मेरा एक माइंड में मेरा एक प्लान बन जाता है और उस हिसाब से मैं आगे के कोर्सेज कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है, नाउ इफ यू डोंट नो द इन्वेस्टमेंट और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ऑडियंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो इस मैसेज से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड क्या कितना इंटरेस्ट रखती है या कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका, तो आप एक रैंडम क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इनिशिएशन, जब आप स्पीच शुरू करेंगे ना तो आप उनको ओपन एंड क्लोज एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो और क्वेश्चन से उनका जो रिस्पॉन्स आता है, येस और नो वाला रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो या हाथ खड़ा करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो उस तरीके का जो रिस्पॉन्स आता है उनका, उस हिसाब से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आप माइंड में ही अपने स्पीच को उतना मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे. ठीक है,
ना, अगर ये चीज नहीं है पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल आप उतने अच्छे स्पीकर नहीं है कि आप एट द मोमेंट स्टेज पे खड़े होकर अपना कंटेंट जो है रिवाइज कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट एक मटेरियल हाथ में, आपका जो पेज रहेगा, कंपटीशन में अलाउड नहीं होता है आपको पेज रखना, लेकिन बाकी जगह आप पेज ले जा सकते हैं, अपना कंटेंट जो है अपने साथ लेके जा सकते हैं, तो वहां पर आप अपना कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं 5 मिनट लेकर। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, जब तक ऑडियंस क्वेश्चन आंसर कर रही है तब तक आप अपना कंटेंट कट शॉर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है ना, ये सारी चीजें पता होने के बाद आपको और कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना पड़ता है जब आप अपनी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑडियंस के साथ आपको अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा आप क्वेश्चन पूछेंगे या आप ओपन एंड या क्लोज एंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई जोक कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच में या प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, या कोई स्टोरी सुना रहे हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपका आपकी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप बना देती हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि आप सिर्फ उनके सामने खड़े होकर आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं आप उनको, इसके बजाय आप उनके साथ रहकर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो एक फ्रीनेस जो होता है समझ पाने का, एक फ्रीली जो उनका माइंड में बन जाता है ये मेंटालिटी कि ये पर्सन जो है ये हमारे साथ कुछ बात करने आया है, हमें लेक्चर देने नहीं आया है, हमें कुछ बोर करने नहीं आया है, ये सारा रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करना होता है, ये आप इन सारे एग्जांपल्स को इंक्लूड करके अपने स्पीच में या प्रेजेंटेशन में इन सारी चीजों को इंक्लूड करके ये रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हैं, एंडिंग में भी पूछ सकते हैं, मिडल ऑफ द स्पीच में भी हो सकता है कि आप अपनी ऑडियंस को बस कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दें जिससे या तो वो सर हिला दे तो आपको पता चल जाए कि हाँ आंसर कितने, यस कितने आंसर आ रहे हैं, नो कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह का इंटरेक्शन अगर होता रहता है, क्वेश्चन अगर पूछते रहते हैं, ठीक है, जैसे टीचर्स क्लास में जब भी आपको पढ़ाते हैं तो बार बार उनका कोई एक कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया, फिर उसके बाद आपसे पूछा कोई डाउट है, फिर एक Yes, as I was telling, कि आपका जो इंफॉर्मेशन होता है, आप जो ये गैदर करते हैं, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है कि क्लास में बार बार आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया या नहीं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जानते हैं या नहीं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है जैसे ओपन एंड क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लीजिए आपको कोई मार्केटिंग की स्कीम बताई जा रही है और उसके लिए सर ने गुड्डे बिस्किट का एग्जाम्पल लिया, अब गुड्डे बिस्किट किसके घर नहीं आता है या कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर गुड्डे बिस्किट कभी नहीं आया है, ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में आप कुछ ऐसा कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डेरी मिल्क का चॉकलेट आपने बचपन में खाया होगा या अभी भी खाते होंगे, पर्क हो गया, फाइव स्टार हो गया, द पॉपुलर वंस दैट आर वेरी फेमस विद द चिल्ड्रन, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन होता है लोगों को यूटिलाइज करना। तो ये सारी चीजें का यूटिलाइज करने का मतलब क्या है, इन सभी चीजों को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, कि आपको कुछ ऐसा कनेक्टिंग बैरियर जो है बीच में, हमारा और आपके बीच का जो बैरियर है
उसे थोड़ा और कम कर दे ताकि हमारा इंटरेक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, एक टीचर और स्टूडेंट का एक अच्छा जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, ये इंटरेक्टिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए ताकि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको वो आप फ्रीली हमें फीडबैक दे सके कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है उसका पहला सब पॉइंट क्या हुआ कि आपको ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट और द सेकंड सब पॉइंट फॉर द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू हैव टू चेक द एटीट्यूड ऑफ योर ऑडियंस। नाउ एटीट्यूड, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ईगो के साथ एसोसिएट करते हैं। देखो, ईगो होना एटीट्यूड का एक एस्पेक्ट है, यानी कि एटीट्यूड होने का एक एस्पेक्ट है कि आप इगोइस्टिक हैं। लेकिन एटीट्यूड और ईगो में बहुत डिफरेंस होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन से रिलेटेड आपका क्या थिंकिंग है उसके बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन पर्पल कलर का शर्ट पहन के आ गया आपके सामने तो उनका क्या इंटरेक्शन है, वो क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। ठीक है, कि वो अग्रेसिव है या वो बहुत ज्यादा कलर फ्लॉन्ट करता है। ठीक है, या वो बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूनिक कलर पहनने का शौक रखता है। ये आपका एटीट्यूड है कि आप उसके बारे में टोकेंगे उसे या उसके बारे में सोचेंगे कि ये पर्पल कलर का शर्ट क्यों आज पहन के आया। ठीक है, अब ये एटीट्यूड जो होता है ये अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया के लिए या किसी भी अदर कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स बहुत इफेक्ट करता है हर एक इंसान की लाइफ पर। तो अगर आप स्पेसिफिकली आप अगर उन घरों में जाकर देखें जहाँ पर फादर या कोई बड़े जो मेल पर्सन है उनको न्यूज देखने की आदत है या सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ने की आदत है, तो उनका सुबह सुबह डिस्कशन, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई बड़े भाई हैं जो काम कर रहे हैं या आपके बड़ी बहन है जो काम कर रहे हैं और दोनों साथ में बैठकर सुबह सुबह न्यूज देख रहे हैं या न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, आपस में डिस्कशन क्या होगा पॉलिटिक्स रिलेटेड या जो भी लेटेस्ट न्यूज आ रहा है, वायरल न्यूज आ रहा है उससे रिलेटेड। मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड जो हैं वो अगर किसी न्यूज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका मान लीजिए कोई वायरल न्यूज हुआ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक न्यूज रिलेटेड टू सेलिब्रिटी रहा, वो बहुत ज्यादा जल्दी वायरल होता है। क्यों ज्यादा जल्दी वायरल होता है? क्योंकि जो यंग पीपल हैं, जो यंग यूथ हमारी सोसाइटी की जो है, अलग अलग कंट्रीज की जो यूथ है वो सारा उसमें इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, अगर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया ऑनलाइन में या किसी इंटरव्यू में, उससे रिलेटेड वो न्यूज पूरा वायरल हो जाएगा। अब 4-5 दिन तक आप और आपके फ्रेंड्स उसी चीज से रिलेटेड बात करते रहेंगे। और बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है कि उस सेलिब्रिटी ने किसी चीज के लेकर कुछ अपना राय दिया, उस ओपिनियन के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उस सेलिब्रिटी को ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, या हो सकता था कि वो किसी और तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होता। अब ये कॉन्ट्रोवर्सी उसने जानबूझ के की है या बहुत सारे लोग इस पे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आप इनमें से कोई एक अपना ओपिनियन रखेंगे कि हाँ मैं ये सोचता हूँ कि उसने जो बोला सही बोला, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं। आपका फ्रेंड वन जो है वो सोचता है कि ये सेलिब्रिटी ने अच्छा नहीं बोला, ये सही नहीं बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये एक एटीट्यूड है आपका कि आप उस पर्टिकुलर चीज को जो वायरल न्यूज हुई है उस न्यूज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप उसे सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, या अभी के लिए सही है, बाद में हो सकता है गलत हो जाए, इस तरह का जो भी आपका ओपिनियन रहता है वो आपका एटीट्यूड बन जाता है। ठीक है, नाउ इफ यू नो द एटीट्यूड अबाउट योर ऑडियंस, मान लीजिए आपकी अगेन अगर आपकी ऑडियंस जो है वो आपके कॉलेज के ही स्टूडेंट है, तो जितने भी इसी तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सी रहेगी, इस तरह की जो कॉन्ट्रोवर्सीज रहेगी रिलेटेड टू एक्टर्स एंड एक्टर्स, रिलेटेड टू एनी मूवी, जैसे अभी आपकी जो मूवी है भूलभुलैया 2, उसके ऊपर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी कि अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि उनको रिप्लेस किया जाए, लेकिन
जब ये मूवी थिएटर पे लगी तो फिर भी ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आर्यन की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें रिएक्शन होता है आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस से रिलेटेड। नाउ जितने भी यूथ था, ठीक है, जितने भी यूथ थे उन लोगों, वो लोग आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आर्यन को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी मूवी पसंद करते हैं, उसका काम जो है, उसका जो एक्टर एक्टिंग है वो पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों के सपोर्ट की वजह से ये ब्लॉकबस्टर बना। नाउ इफ द कॉमन पीपल आर नॉट सपोर्टिंग, आपको पता चल जाता कि ऑडियंस टारगेटिंग जिससे रिलेटेड क्या है, कि उन्हें पसंद नहीं आया कि अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको पता चल गया कि ऑडियंस का इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है, वो पसंद कर रहे हैं इस चीज को या नहीं पसंद कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कंडीशन लगा के सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर कोई और एक्टर होता तो वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आर्यन है इसलिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कंडीशन लगा के सपोर्ट कर रहे हैं या किसी और चीज, 10-15 कंडीशन उन्होंने लगा दिए कि अगर ऐसा होता तो सपोर्ट करते, ऐसा नहीं होता तो सपोर्ट नहीं करते, इस तरह का अगर कंडीशन लगा रहे हैं, तो क्या एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर मैसेज से रिलेटेड आपकी ऑडियंस का, ये आपको पता होना चाहिए। और उस चीज को पता करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। इफ यू आस्क 5 क्वेश्चन, अगर आप 5 अलग अलग इंसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उन 5ों का अलग अलग ओपिनियन रहेगा, और उन अलग अलग ओपिनियन को अगर आप इवेल्युएट करते हैं, आपको कम से कम उन 5 तरीके का आप एग्जाम्पल अपनी स्पीच में इंक्लूड कर पाएंगे। अंडरस्टूड? द लास्ट पॉइंट इन द फोर्थ सेक्शन इज जो कल्चरल डिफरेंस रहता है और कंसिडरेशन जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब जो कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, कल्चरल डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा अलग अलग फोर्स में नहीं रहता है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए अभी जो डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार हुआ था, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग का आपका वर्कशॉप हुआ था, अगर ये ऑनलाइन वेबिनार कर रहे होते, ठीक है, तो इन्होंने क्या करना था, जब भी एक वेबिनार होता है या सेमिनार होता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको कहीं भी मिल जाएगा। हो सकता है कि अगर उन्हें ज्यादा प्रमोट करना है तो वो सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाल देंगे उनका रजिस्ट्रेशन लिंक, या फिर अगर उन्हें ज्यादा प्रमोट नहीं करना है तो आपका डाटा जो रहता है, ये चीज वहां पर आपको वर्कशॉप में बताई गई थी कि जो डाटा रहता है वो अलग अलग कंपनी गैदर करके बाकी कंपनियों को आपका डाटा बेचती है, तो उन कंपनीज के पास उन बच्चों का डाटा है, उन कंपनीज के पास उन बच्चों का डाटा है जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं या बीसीएटी में पढ़ रहे हैं या बीसीए में पढ़ रहे हैं या बीबीएम में पढ़ रहे हैं या बीबीए में पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ही इंक्लूड करेंगे उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिकली उन बच्चों की लिस्ट बनाई जो बीसीए में है, सॉरी जो बीबीएम में है, बीबीए में है और बीकॉम में है, उन बच्चों को ही उन्होंने या तो व्हाट्सएप मैसेज किया या फिर उन बच्चों को ही उन्होंने ईमेल किया, अगर आपने ईमेल कहीं पर रजिस्टर करवाया होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेबसाइट पे आपका ईमेल या नंबर मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आप अगर कोई मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उसको गूगल पे, सॉरी, आप उसको गूगल पे सर्च करते हो, जब आप सर्च करते हो तो आंसर दिखाने से पहले आपको लॉगिन आईडी मांगता है, या तो आपका ईमेल मांगेगा या फिर आपका नंबर मांगेगा। अब जैसे ही आपने उसको रजिस्टर किया, आप उसने क्या किया, आपका ईमेल आईडी रख लिया स्टोर करके कि ये मैनेजमेंट का स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट ने यहाँ पर हमें मैनेजमेंट का एक थ्योरी जो है सर्च किया है हमारे वेबसाइट से, तो उस वेबसाइट से रिलेटेड अगर कोई मांगेगा कि हाँ मुझे मैनेजमेंट के स्टूडेंट का लिंक भेजिए या उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजिए, हमें एक वेबिनार करवाना है, ठीक है, तो वो आपका ईमेल आईडी, मान लीजिए ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है, आपका ईमेल आईडी भेज देगा उस कंपनी को, वो कंपनी क्या करेगी, एक मास मैसेज के थ्रू, ठीक है, बल्क मैसेज जो आपका होता है, बल्क मैसेज के थ्रू वो आपको एक मेल भेजेगी कि हम ये वेबिनार करा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्टर करा लीजिए। ठीक है, नाउ ये चीज करने का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले ही अपनी ऑडियंस जो है वो छाट ली है कि मैनेजमेंट के ही स्टूडेंट को हम कर पढ़ाएंगे या मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ही इंक्लूड करेंगे वेबिनार। लेकिन अगर मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट पे, मैंने मान लीजिए फेसबुक पे अपना एक वेबिनार मुझे करवाना है, मैंने फेसबुक पे अपना लिंक भेज दिया, नाउ फेसबुक पे लिंक भेजने का मतलब है कि दुनिया से सारे दुनिया को वो लिंक मिल गया है, हर एक पर्सन जो वर्ल्ड में फेसबुक चला रहा है उसके पास वो लिंक जा सकता है,
जितना शेयर होगा उतने ज्यादा लोग देखेंगे। नाउ आपका जो सर्कल है या आपका जो एक फेसबुक सर्कल होता है तो वो फेसबुक सर्कल बहुत लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ा होता है। आपके आपने अगर उसे रजिस्टर किया तो आपके रजिस्ट्रेशन की वजह से आपके सारे फ्रेंड्स को दिखेगा, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को दिखेगा, वो सारी चीजें जो है इंटरलिंक हो जाती है और बहुत सारे लोग रजिस्टर आपस में कर लेंगे। नाउ होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए मैं वेबिनार जो करवा रही हूँ दैट इज प्योरली ऑन द हिस्ट्री ऑफ बंगाली कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री जो है बंगाली कल्चर का हिस्ट्री जो है उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च की है और वो मैं स्टूडेंट के साथ या किसी भी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो रिसर्च मेरा होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर मारवाड़ी लोग भी रजिस्टर कर ले, हो सकता है यहाँ पर तमिल लोग भी रजिस्टर कर ले, इसके अलावा इंडिया के बाहर भी जो लोग हैं, हो सकता है कि चाइनीज लोग रजिस्टर कर ले, हो सकता है यहाँ पर अमेरिकन या ब्रिटिशर्स रजिस्टर कर ले। तो इससे क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, मैंने मास बल्क में किसी को भी मैसेज नहीं भेजा, मैंने बस एक रजिस्ट्रेशन लिंक एक वेबसाइट पे डाल दिया जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड है, सोशल मीडिया जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड है वहां डाल दिया। अब इससे होगा क्या, मेरी ऑडियंस में डाइवर्सिटी आ जाएगी। मान लीजिए मेरी 83% मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया की है, ठीक है। अब जो इंडियन लोग हैं उनको मैं किसी भी तरह का एग्जाम्पल दूं तो इनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि बंगाली लोग किस तरह की सोच रखते हैं, ये बंगाली लोग का क्या कल्चर होता है, किस तरह का उनका ड्रेसिंग स्टाइल होता है, किस तरह का उनका बात करने का तरीका होता है, किस तरह के फूड वो खाते हैं, ये सारा उनके माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि बेसिक नॉलेज मेरी 83% ऑडियंस को पता है, लेकिन मेरी बाकी की जो ऑडियंस है, ठीक है, मेरी बाकी की जो ऑडियंस है उसमें से 5% ब्रिटिशर ले लो, 5% अमेरिकन ले लो, बाकी बचे मेरे चाइनीज ले लो, ठीक है। अब उन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है कि बंगाली कौन होते हैं, या उनके पास बहुत कम नॉलेज है बंगाली के बारे में। तो मुझे जब वहां पर मैं वेबिनार करवाऊंगी तो मुझे ये कंसिडर करना है कि वहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बंगालियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दोज पीपल हु बिलोंग टू बंगाल उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ बेसिक से स्टार्ट करना है, समझाने से ये स्टार्ट करना है कि बंगालीज हम किन्हीं कहते हैं, उनका क्या क्या कल्चर है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में, ये सारी इंफॉर्मेशन से मुझे बहुत बेस से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अमेरिकन ब्रिटिशर चाइनीज वो नहीं जानते हैं कि बंगाल कहाँ है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि बंगाल इंडिया में है या इंडिया से बाहर है या नेपाल में है या बांग्लादेश में है, ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता है। तो मुझे यहाँ से बताना पड़ेगा, बेस से बताना पड़ेगा, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी आते है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं हिंदुइज्म के ऊपर कोई वेबिनार करवा रही हूँ, तो वहां पर मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैंने रेस्ट्रिक्ट कर देना है कि मुस्लिम्स नहीं आ सकते, क्रिश्चियन लोग नहीं आ सकते, जैन लोग नहीं आ सकते, बुद्धिज्म नहीं आ सकते, ये चीज गलत होगी, ठीक है। ये चीज अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ तो ये चीज गलत होगी, लोग पहले ही मुझे नेगेटिव नजरों से देखने लगेंगे, मेरे को लेकर उनका जो माइंडसेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ मुस्लिम्स को इंटरेस्ट हो हिंदुइज्म के बारे में जानने का, हो सकता है कि कुछ क्रिश्चियंस को इंटरेस्ट हो हिंदुइज्म के बारे में जानने का, हो सकता है अदर रिलीजन के जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट हो जानने का हिंदुइज्म के बारे में। तो जब मैं उन लोग को बताना स्टार्ट करूंगी तो मैं बहुत बेसिक से बताना शुरू करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता नहीं है, सेकेंड ऑफ ऑल हो सकता है उन्होंने कुछ गलत धारणाएं पाल रखी हैं, उनके दिमाग में कुछ गलत वेंडेटा है, जो आप कह सकते हैं कि एक मेंटालिटी उनके माइंड में बैठ गई है कि इस तरह के ही होते हैं हिंदू लोग। तो वो मेंटालिटी हटाने के लिए, पॉजिटिव मेंटालिटी लाने के लिए मुझे बहुत बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि जब कल्चरल डाइवर्सिटी होती है आपके ऑडियंस में तो आपको हर एक ऑडियंस को सोच कर, हर एक ऑडियंस को इंक्लूड करके उनके हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। Now, there are few more things that we need to discuss, but go next class and discuss that. Okay? So, I'm ending this session here.